नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भले ही विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकालकर 10 साल के कार्यकाल का सरकार से हिसाब मांग रही है। और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार काम चवन्नी का करती है और गिनवाती 10 रुपए का है। और इसी बयान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि कांग्रेस राज में ऊपर से 100 रुपए भेजे जाते थे तो नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते थे। विज का दावा है कि सरकार ने फले फूले भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करके सरकारी योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के गारंटी की घोषणा करेगी, और इसी के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। आपने एक बयान में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पत्नी सुनीता केजरीवाल को हरियाणा के पंचकूला में एक टाउन हॉल बैठक में केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नायब सरकार में जनता तक पहुंच रहा 100% लाभ। हरियाणा में भले ही विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, और ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश सरकार से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। और ऐसे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 100 रुपए ऊपर से भेजे जाते थे और नीचे पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते थे। और साथ ही विज ने दावा किया फले फूले सिस्टम को, भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करके योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाया है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है, और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार भी किया, और इसी को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का रुख कर लेते हैं, मेहमानों का परिचय करा देती हूं। राम राजी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा पे जुड़ने के लिए स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, वहीं बताते हैं कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहिला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा। रोहिला जी, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है, और वहीं कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी पहुंचे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नमस्ते जी, नीरज भाई को राम राम, मेरी आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है जिसका एक प्रोटोकॉल है, नियम है, तो उसी के तहत कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, और उस मुलाकात की कुछ रोचक बातें सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने हर उस योजना का फीडबैक लिया, क्या वो जनता तक पहुंच रही है, क्या उसका लाभ मिल रहा है, और सारी बातें, और अग्निवीर पर जो परिवर्तन किए हैं, हरियाणा सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है उस पर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने मीडिया बाइट में ये बोला है कि हमने प्रधानमंत्री जी ने हर छोटी छोटी बात का ध्यान दिलाया है कि भाई क्या इस योजना का लाभ पहुंचा, कितने तक पहुंच गया,
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा एक रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि हम जनता को समर्पित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शोषित वंचित और गरीब को समर्पित सरकार है, तो उसी के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है उन्हीं योजनाओं का लाभ कित तक पहुंच चुका है, कैसे पहुंच सकता है या जो बाकी है वो कैसे होगा, उसी पर सारा फीडबैक प्रधानमंत्री जी ने लिया और अपना अपना गंभीर मार्गदर्शन नायब सैनी जी को दिया है। तो रही बात चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रभारी श्री सतीश पुनिया जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी लगातार जिलों में बैठ के करें, आज भी उन्होंने रोहतक में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें हमारे हमारे विधायक, पूर्व विधायक और अन्य महत्वपूर्ण कड़ी है जो संगठन के, उनको सभी को बुलाया है और वो वहां मंथन करेंगे। तो ऐसे ही हर जिले में, हर मंडल में, हर बूथ पर हमारी हमारी तैयारियां जबरदस्त रूप से चल रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में तीसरी बार सरकार बनाएगी। और जो ये कांग्रेस का जो ये चल रहा है हिसाब मांगो तो इनका हिसाब कर ले, ईडी ने भी मांगा है भाई जो 300 करोड़ की जो संपत्ति अटैच की है हुड्डा साहब के जिस केस में, जो बिल्डरों के भी नाम आए हैं, तो हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। आज सुरेंद्र पवार जी को माइनिंग का कोई यमुनानगर में कोई घोटाला कर रखा तो उसमें उनको उठाया गया है। तो ये चीजें सारी पब्लिक के सामने है, लूट और खसूट की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की थी और उसी को स्थापित करने के लिए दोबारा मरे जा रहे हैं। तो सिर्फ जनता से इनमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर जो गुड गवर्नेंस दी है, जो जो बिना पर्ची बिना खर्च की नौकरियां दी है, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक को हम जाके बता भी रहे हैं। हमने आज सैकड़ों ऐसी योजनाएं चलाई है जिसमें गरीब आदमी को लाभ हुआ है। आज हरियाणा में कोई एक आध घर बचा हुआ होगा जिसको जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा, नहीं तो 99.9% जनता को कोई ना कोई लाभ जरूर इस सरकार से मिला है। जी ठीक है रोहिला जी, इसी आपके जो सवाल है इसी का जवाब ले लेते हैं गुप्ता जी से। नीरज गुप्ता जी, विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी, और साथ ही चुनाव से पहले ईडी का लगातार आप देख सकते हैं कि आज सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और साथ ही कुछ दिन पहले रावदान सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी, तो इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए मैं कुछ बोलूंगा तो ये कहेंगे ईडी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई गलत होगा तो सजा के हकदार हैं। लेकिन बस क्वेश्चन ये आ जाता है हमेशा इलेक्शन से पहले सब कुछ इनको रेडी याद आती है, इतने महीने पहले कोई रेडी याद नहीं, वो रेडी इसलिए याद आई कि लोकसभा में हाफ हो गए, अगर लोकसभा में फुल रहते तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई रेड ना पड़ती। और एवल अब विधानसभा चुनाव में कुर्सी जाती नजर आ रही है तो रेड मरवा दी। मैं ही पूछ रहा हूँ कि अभी महीने के अंदर ऐसी क्या बात हो गई जो उनको गिरफ्तार करना पड़ गया, महीना भर पहले भी कर सकते थे। ये सिर्फ लोकसभा का साइड इफेक्ट है। और दूसरा जो मेरे प्रवक्ता साथी आप कह रहे थे, आप भी कह रहे थे सोनिया जी कि वो मुख्यमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक छोटी छूट का जायजा लिया कि गरीब तो कुछ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, तो 9.5 साल बाद याद आई कि हमको हरियाणा की, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनसे नहीं पूछते थे क्या? अभी सारा कुछ याद आया कि उनको भी सिर्फ सत्ता चाहिए कि हरियाणा की सत्ता कैसे बचाई जाए। उनको दिख रहा है कि हरियाणा की सत्ता जा रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, हमारा एक नेता सब पे भारी। अरे ये पूरे जी पूरे जितने 40 एमएलए ना उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते जितने हमारे दीपेंद्र जी की पद यात्रा में भीड़ हो रही है, सभी चैनल कवरेज कर रही है, उठा के खुद देख लें, पैर रखने की जगह नहीं है। अब उससे आप आइडिया लगा रहे हो कि जन जन का समर्थन, हरियाणा का जन जन का समर्थन दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, उसी फीडबैक पे हम कह सकते हैं कि 36 बिरादरियों और स्वतंत्र हमारे पास है और हम काम करेंगे और हमने काम किया है। उसी काम को लेके 10 साल वर्सेस 10 साल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के हम जनता में जा रहे हैं, ये क्या हिसाब देंगे? हम तो इनके हिसाब को, इनको कामकाज को जनता में जा रहे हैं, जनता मांग रही है हिसाब, जनता फॉलो करेगी कि हमारे 10 साल कार्यकाल ऐसे थे और इनके 10 साल कार्यकाल कैसे थे, और सब जनता देख रही है। अरे हम पे इल्जाम लगा रहे हो, चलो हमने आपने हमारे ऊपर एक्शन लिया, अच्छी बात है, कानून अपना काम कर रहा है। आपके यहाँ शराब घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, नगर निगम घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ, उसमें आपने आपने कितनी गिरफ्तारी करी बताइए, एक भी कोई गिरफ्तार हुआ हो, एक पोर्टफोलियो मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ हो, दूसरे बार इल्जाम लगाते हैं वो भी तो घोटाले थे, उनमें तो आपने इतना टाइम लगा दिया। यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है, आपके नेताओं पे ईडी कार्रवाई क्यों नहीं, आप ईडी को क्यों नहीं देते? ईडी एक जब स्वतंत्र एजेंसी है तो आपके नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे सकारदा घोटाला हो, चाहे फरियाद का नगर रंग में घोटाला, 200 करोड़ का घोटाला, ऐसा घोटाला जिससे बिना काम किए पेमेंट हो गए, उसमें कोई एक्शन नहीं। तो सिर्फ ये कुछ भी कर ले, हमारे सारे नेताओं को जेल पहुंचा दें, सबको जेल में डाल दें, कुछ नहीं होगा। रही पर्ची खर्ची पर्ची की बात, मेरे भाई कहने से क्या होता है, खर्ची पर्ची
हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब ने बोला था आपके स्पीकर को, भाई व्हाट इज द डेफिनेशन खर्ची पर्ची, आप बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अरे खर्ची पर्ची का अगर आपके पास कोई सबूत है तो आपके हाथ कानून से बांध रखे हैं क्या? आपकी सेंटर में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, जो खर्ची पर्ची का अगर कोई सबूत है अंदर कीजिए। क्या कोई भी कांग्रेस के नेता करते क्यों नहीं? सिर्फ बात बरगलाने से ये कर दिया वो कर दिया। अरे 9.5 साल से सोए पड़े हो क्या? कानून आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, सरकारी प्रक्रिया हाथ में है। खोलिए फाइल, पुरानी फाइल क्यों नहीं खोलते? एक जगह भी आपको खर्ची पर्ची का सबूत मिला? सिर्फ जनता को भगाते हैं, क्योंकि आप झूठी आश्वासन की सरकार है, आपने हर वर्ग को पीटा है। अरे कोई सबूत लगाने से पहले, कोई इल्जाम लगाने से पहले एक सबूत दीजिए मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, करें कार्रवाई। आपके हर प्रवक्ता को रटी का ही बातें बताई जाती हैं, खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची। अरे भाई खर्ची पर्ची है कहाँ? बताओ खर्ची पर्ची है कहाँ? लेके आओ खर्ची पर्ची। जब आप पे इतना सब कुछ पता है कि हमने खर्ची पर्ची पे भर्तियां करी, खर्ची पर्ची पे काम चलता था, तो लाते क्यों नहीं इनको? ठीक है, दे दिए सबूत। गुप्ता जी आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। रोहिला जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, और ऐसे में मेरा भी एक सवाल है कि विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का प्रदेश में एक्टिव होना, क्या ये विधानसभा चुनाव में बैकफायर तो नहीं करेगा? देखिए, ये ईडी एक संवैधानिक संस्था है जो अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रही है, और इसमें किसी का कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन ये केस पुराने चल रहे हैं इनके, जिनमें गिरफ्तारी अब हुई है, क्योंकि जुडिशली का भी कोई एक प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से ये चीजें हुई है। जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो जमीन कल अटैच की गई है, जो इन्होंने गरीबों से लूटी थी, वो 726 करोड़ रुपए की जमीन थी, 10.75 एकड़ जमीन थी। वो कैसे, वो मतलब मान ले 7-8 करोड़ में लेके 726 करोड़ में बेच दी वो इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो सीएलयू गैंग, जो अभी था इनका, जो इनके गुर्गे पकड़े जा रहे हैं, जिनको नोटिस जा रहे हैं, तो वो सब सामने होगा। क्योंकि ये कैसे ये लोग 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए? कैसे एक सामान्य काम करने वाला एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कैसे वो लाखों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है? तो ये सारी चीजें जनता भी देख रही है, और जनता को इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। जनता को, क्योंकि लुटेरों से क्या सहानुभूति हो सकती है? जो गरीब जनता, तो ये कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करें, वो भीड़ कहाँ की भीड़ है? वो आप दिन में लेके, दिन में 10 दिनों भीड़ लेके आ जाते हो आप लोग, और भीड़ में है कौन? भीड़ में वो लोग हैं जिन्होंने मड़ाई खाई थी आपकी 10 साल में। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वो मोटी चेयर बनने वाले, जो आज एक सरपंच में आपकी टिकट मांगे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आपकी राज में मार खा रखा, वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गरीब आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, क्योंकि गरीब आदमी को तो आप लोगों ने दबाने का काम किया, चाहे वो मिरिजपुर कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, जहां दलितों को जलाया गया, फिर बस्तियों को जलाया गया, ठीक है ना। गरीब आदमी तो आपसे दूर है। आप लोगों का जो सिंडिकेट है ना, मतलब नीरज जी, तो वही है बस, और लंबी चौड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि मनोहर लाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, गरीब आदमी को भी आवाज देने का काम किया। आज कांग्रेस के सामने गरीब शोषित वंचित खड़ा है, क्योंकि उसमें की एक शक्ति आई है कि वो भी मतलब लड़ सकता है, वो भी इन लोगों को हरा सकता है। और गरीब और शोषित और वंचित और मध्यम वर्ग और व्यापारी हाड़ी पाली के साथ हम आप लोगों को हराने जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है रोहिला जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नीरज गुप्ता जी क्या कहेंगे? खुद ही क्वेश्चन कर रहे, खुद ही आंसर दे दिया कि भाई जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की करके उजागर आ रहे हैं, महाराज यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। 9.5 साल तक सोए पड़े थे क्या? अब इलेक्शन के आसपास ही सब याद आ रहा है, डेढ़ महीना बच्चा है। 9.5 साल से पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, आज ये कह रहे हो 726 करोड़ की जमीन थी, तो आपको आज ही पता चला क्या 726 करोड़ की जमीन थी? या गरीबों से डूट लिया, किसानों से डूट ली? 9.5 साल से कांखों पे काला चश्मा लगा रखा था क्या? जब कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिर्फ 1.5 महीने पहले आपको सब इतना कुछ ज्ञान मिल गया कि नहीं? सिर्फ 1.5 महीने पहले इतना ज्ञान मिल गया, 726 करोड़, 1.5 महीना पहले इतना ज्ञान मिल गया 726 करोड़, मैं आपके बीच में बोला 1.5 महीने में इतना ज्ञान मिल गया कि खर्ची पर्ची 726 करोड़, सब कुछ इनको आज ही मिल गया, सब कुछ एक दिन में मिल गया, और 9.5 साल से इनको कुछ भी नहीं मिला था। बड़े हास्यपति की बात है, खुद ही फट जाते हैं अपने बयान में। जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप ये चीजें पहले करते ना, 9.5 साल से छापेमारी करते, गिरफ्तार करते, 726 करोड़ का जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कोर्ट में पेश करते, वैसे वो मैटर कोर्ट में आपको कोई बोलने का हक नहीं, कोर्ट देखेगी आपके कहने से कुछ नहीं होता। 726 करोड़ है कि कोर्ट पर संज्ञान नहीं, फिर भी आप पे अगर इतना प्रूव है कि 726 करोड़ का आपको कुछ मिल गया, तो आप जाइए कोर्ट में। आपने आधिकारिक बयान दिया चैनल के माध्यम से, आप क्यों नहीं गवाह बन जाते सरकारी गवाह कि मुझे 726 करोड़ रुपए का भैया प्रूफ मिल गया हुड्डा साहब के खिलाफ, जमीनों के खिलाफ? आप अपनी गवाही दीजिए, क्यों नहीं देते अपनी गवाही? सिर्फ झूठ और आश्वासन की सरकार है। झूठ बोलना आपके डीएनए में है, आपके डीएनए में हिंदू मुस्लिम करना,
पूरे देश का आपने स्वास्थ्य खराब किया हुआ है। आपके एक मूर्ख मूर्ख मुख्यमंत्री अमित विश्वकर्मा का बयान क्या याद कराऊं, वो मुसलमानों ऊपर कह रहे जी 40% बढ़ गए, इससे मूर्ख मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। आप देखिए हिंदू मुस्लिम करते हैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अभी आपको इतनी भारी चोट मिली है हिंदू मुस्लिम करके, आप सरकार नहीं बना पाए केंद्र में और सिमट के समर्थन लेना पड़ा है, वो ही हरियाणा में आपका हाल है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपके नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अमित शर्मा को असम के मुख्यमंत्री को एक बार भी कहा कि चुप हो जा अपनी जुबान पर लगाम कर आप क्या बात कर रहे हो, सिर्फ वो एक ही बार के पीछे पड़े हुए हैं। मुसलमान मुसलमान देखिए आप पे कुछ नहीं है, पूरा देश जान चुका है, आप झूठी आश्वासन की सरकार है, आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों को पीटा, किसानों के नाम पे आपने मुंह खाई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा शंभू बॉर्डर खोल दिए, आपने उनको कैद किया हुआ था, सारे किसान आने को तैयार हैं। आप अगर एक मिनट मैडम सोनिया जी एक मिनट, अगर आप पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर आप में इतना दम है, आपने इतना कहरा इंजाम लगाया कि 726 करोड़ की हिम्मत है, 726 करोड़ की उसकी कीमत है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सरकारी गवाह बनिए और गवाही दीजिए, क्योंकि आपने अपने मुंह से बोला है। अगर आप सत्य में जुबान के धनी है तो आप जाइए हुड्डा साहब के खिलाफ गवाही दी जाइए, कोर्ट में मैटर है कि हाँ मेरे पास 726 करोड़ के प्रूफ है। सिर्फ झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, जनता समझ चुकी है। आपकी सरकार जा रही है, आपको नींद नहीं आ रही रात को, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमित शाह सिर्फ हरियाणा में सरकार बचाने का ट्रायल कर रहे हैं, वो ट्रायल सक्सेस नहीं होगा। जनता डिसाइड करेगी कौन नहीं बनेगा कौन नहीं, आप जनता पे छोड़ दो। रही भीड़ की बात, हमारी जनसभा में बहुत भीड़ है, दीपेंद्र हुड्डा के पीछे इतनी पब्लिक है जो आप देख नहीं सकते। ठीक है गुप्ता जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नीरज गुप्ता जी ने जो कुछ कहा, रोहिला जी आपने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाए, उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और झूठ जो है उनके डीएनए में है, क्या प्रतिक्रिया? सपना जी पता है क्या है, ये भाई फरते चीट है, अब ये ठंडा पानी पिएगा तो कुछ दिमाग चलेगा इसका। मैं ममता विश्वास शर्मा जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने जो बात कही वो किसी और संदर्भ में कही थी। उन्होंने एक काम ऑर्डिनेंस चलाने जा रहे हैं वो बाल विभाग के खिलाफ, तो वो उस संदर्भ में कही थी, ठीक है ना। और वो जो कानून होते हैं सबके लिए लागू होते हैं, आप लोगों को तो संविधान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की और विपक्ष की जो लूट और खसोट की राजनीति थी, जो ये चौधरी बढ़ते थे फालतू के, वो चीजें सारी बीजेपी ने पारदर्शिता और मेरिट लाकर खत्म कर दी। तो ये दिन मिला रहे, ये सोच रहे हैं तुम्हारा वो सेटअप तो खराब हो गया, अब दोबारा उसका इंस्टॉल कैसे करें, उसका इंस्टॉल करने के लिए ये लोग जनता को टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मान के चलो जनता ने आज हर गांव में 10 से 15-20 बच्चे बिना बच्चे और बिना बच्चे लगे हैं, जो जो जनता खुद बोल रही है। आप सपना जी, आप अपना तो रैंडमली सर्वे चला के आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी गाँव में बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब बच्चे कोई बात नहीं है, कुछ मान रहे हैं भाई, हमने 726 करोड़ का घोटाला किया तो किया भाई आपने, आपका तो सीएलयू गैंग था जिसने 50,000 एकड़ जमीन लूटी थी किसानों की, और वो प्राइवेट बिल्डरों को बेची, फिर वो प्राइवेट बिल्डरों को बेची आप लोगों ने, तो वो सारा पब्लिक डोमेन में वाड्रास को दी आपने वो जमीन, रातों रात कैसे वो जमीन 50 गुना 100 गुना रेट में बिकी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने प्राइवेट लोगों को, जनता की, किसानों की तो जमीन लूट के आपने वो काम किया है, और वो उसका जनता आपको सजा दी, आपको 10 साल से बाहर हो और फिर सजा देगी, क्योंकि अगर रोहिला जी, मेरा एक और सवाल है आपको, ठीक है रोहिला जी, मेरा आपसे सवाल है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में ईडी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव होती नजर आ रही है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जो ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर कैसे खंडन करेंगे आरोपों का? जो इनका विधायक है कई महीने से अंडरग्राउंड है, वो भी ईडी की तरफ से अंडरग्राउंड है, ठीक है ना। तो आप अपना अपनी पार्टी में पता कर लेना, तरफ से चोकर कहाँ है आजकल, तो क्यों क्यों कहा, अगर वो निर्दोष है तो सामने आए, अपने आप को निर्दोष साबित करे। राहुल गांधी सिंह के पहले भी केस चल रहे थे, अभी भी केस, जिस केस में उनकी मतलब सम्मन आए थे, ईआईटी ने जो जांच करी थी वो आपने मिल जाएगा भाई, 1392 करोड़ का मामला था वो। तो आप लोगों ने लाखों करोड़ रुपए हरियाणा की जनता की गांधी कमाई लूटी है,
और उस लूट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार या ईडी या संवैधानिक संस्था कोई भी है वो बिल्कुल निकालेंगी और जनता का पैसा जनता को मिलेगा। ठीक है नीरज गुप्ता जी फाइनल कमेंट। झूठ झूठ बोलने का काम है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ मात्र 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए कैमरे पड़ गए थे पूरे देश को पता है तो वो क्या बोलेंगे। ये सब झूठी सरकार है झूठी आश्वासन सरकार है ये सिर्फ कहते रहे अपने बारे में कोई कार्रवाई नहीं करते। खनन घोटाला हो शराब घोटाला हो और नगर निगम घोटाला हो आज तक उससे कितनी कार्रवाई हुई क्या वहां ईडी ने छापा मारा का वहां सीबीआई आई। अगर आप राम दान सिंह जी के बारे कहते हैं तो आपको याद करा दूं जो अगर उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हुआ तुम्हारी कांग्रेस की सरकार में हुआ। अरे हम इतना दम तो है अगर सीबीआई की कुछ सिफारिश हुई आप ही बोल रहे हो कि पुराना केस है तो उस समय हमारी सरकार थी तो आपने क्या किया आप तो फिर भी कुछ नहीं करते अपने कर्मचारियों के खिलाफ अपने अफसरों के खिलाफ। कोई नगर निगम घोटाले में आपने कुछ किया तो बताइए शराब घोटाले में किया तो बताइए खनन घोटाले में किया बताऊं था आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे इसमें योना चूरचार के आरोपी इसका मैं आपको इस्तीफा नहीं दूंगा तो सिर्फ आप बोलते बोलते झूठों की सरकार है और सब कुछ खत्म हो चुका है और बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है गुप्ता जी मेरा एक और सवाल है आपसे कि लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश में घोषणाएं की जा रही हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लिए घोषणाएं कर रहे हैं तो ऐसे में क्या इन घोषणाओं से क्या जनता लुभावनी हो जाएगी क्योंकि लगातार जनता को साधने की कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। देखिए सोनिया जी इन घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9.5 साल की पहले ही घोषणाएं नहीं पूरी हुई जनता सब समझ रही है कि जो पहले की घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो मात्र ये जो घोषणाएं हुई है कि 1.5 महीने में कैसे पूरी होंगी। कानून इंप्लीमेंट्स भी होता है कानून फॉर्मेलिटी भी होती है सिर्फ घोषणाएं करने से क्या है वो इंप्लीमेंट कब होगी। अगर किसी का वेतन बढ़ाया है तो उसे वेतन कब मिलेगा पहले सितंबर से मिलेगा पहले अक्टूबर के बाद या आफ्टर इलेक्शन मिलेगा या 1.5 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। हो सकता है जो घोषणाएं कर रहे हो उनका फीता कांग्रेस सरकार हम ही काटे तो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। इन्होंने 9.5 साल की कितनी भी घोषणा आई है आपके भी डाटा है मेरे भी डाटा है बताइए कितनी घोषणाएं पूरी हुई कोई काम पूरा नहीं हुआ सिर्फ झूठ बोलने के कारण है। जनता को भड़काने का आरोप है कि जनता को भड़काया जाए कैसे जनता से सरकार बनाई जाए और उनको पता हम जा रहे हैं तो सारे प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं सिर्फ पूरी बीजेपी सेंटर की और स्टेट की सिर्फ हरियाणा सरकार बचाने में लग गई कि हरियाणा से हमारी सीट गद्दी ना जाए और हरियाणा में सरकार हमारी बनी रहे। ठीक है नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी भी बने हुए थे आपका भी धन्यवाद। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियों का वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं कांग्रेस के हिसाब मांगे पदयात्रा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में बस सवाल यही उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जो घोषणाएं हो रही हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं क्या इससे जनता को लुभाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। वही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ नमस्कार।